रात लगभग 8:30 बजे सिटी कोतवाली में पदस्थ सुनील कुमार यादव नामक सिपाही अपने गांव से ड्यूटी करने गरियाबंद आते समय बिच रोड में खड़ी ट्रक जिसकी इंडिकेटर लाइट बंद थी जिससे टकरा जाने के कारण उक्त 33 वर्षीय सिपाही की मौत हो गई। परिजनों को सूचना के बाद लाश पीएम हेतु मचकुरी में रखा गया है। गरियाबंद सिटी कोतवाली में पदस्थ सिपाही सुनील कुमार यादव, जो गरियाबंद मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नागझर में निवासरत था, बीती रात ड्यूटी करने गरियाबंद आते समय रात लगभग 9 बजे बिच रोड में खड़ी ट्रक जिसकी इंडिकेटर लाइट बंद थी। उक्त सिपाही अपनी मोटरसाइकिल से हेलमेट पहना हुआ आ रहा था, इस ट्रक से टकरा गया। जाता सूचना देने पर मौके पर एम्बुलेंस ने पहुंचकर उक्त सिपाही को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना की सूचना के साथ ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौका पर पहुंचकर उनके परिजनों को सूचित किया। परिजनों के आगमन के बाद उसे कल पोस्टमार्टम हेतु मचकुरी में रखा गया है। कल प्रातः उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उक्त प्रकरण पर एसडीओपी का कहना है कि उक्त सिपाही के मौत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। कल पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्यवाही किया जाएगा। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट थी, और वो पांडुका नागझर का रहने वाला है। वो अपनी मोटरसाइकिल से थाना के लिए निकला था और बारुका के पुल के पास में एक छोटा ट्रक है टाटा का, जिसका नंबर CG 17H 2001 है। और वो गाड़ी जो है कि बारुका पुल के पास में उसका जो ड्राइवर है लापरवाही से गाड़ी को रोड में खड़ा कर किया हुआ था और पीछे का इंडिकेटर भी नहीं जल रहा था। और जैसे ही हमारा आरक्षक उसके गाड़ी के पीछे आया, अचानक उस ड्राइवर ने गाड़ी को बैक कर दिया। गाड़ी जैसे बैक हुई तो और जिस कारण से हमारा जो आरक्षक है वो ट्रक की चपेट में आ गया, पीछे चपेट में आ गया। और उसको जब हॉस्पिटलाइज करवाया गया हॉस्पिटल में गरियाबंद में, तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया है और पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके खिलाफ में, ड्राइवर के खिलाफ में, और समझौता कार्रवाई की जा रही है।